हेलो दोस्तों, डा टेक टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आया है क्योशी का RMX 4050 HD मॉडल। देखते हैं दोस्तों में किसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसके दोनों टोने गिर चुकी है कहीं पर। चलो इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सॉरी पावर मैंने इधर से चालू करते हैं। स्विच की बत्ती गई पर ये क्या देख रहे हैं हम, क्लिप प्रोटेक्शन सिग्नल, ये तो अजीब ही गजब फॉल्ट है। कोई नहीं, देखते हैं इसका क्या समाधान है, कहां से दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पहले एक नंबर हटा के देखते हैं क्या रन पे जाता है कि नहीं जाता है। कुछ पता चलता है तो फिर हम देखते हैं, हम बताते हैं आपको। एक बार से बंद करिए, एक बार निकालते हैं इसको और एक बार देखते हैं रन पे जाता है दोबारा कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक नंबर चैनल में डिस्कनेक्ट कर दिया तब भी ये रन पे नहीं गया, यानी किसी चैनल में प्रॉब्लम नहीं है या किसी ब्रिज रेक्टिफायर में या फिर नीचे वाले जो प्लेट है, जो नीचे वाली उसमें दिक्कत आ सकती है कनेक्टिंग वाली प्लेट में। तो देखते हैं फिर जैसे होगा हमको बताते चलेंगे, तब तक लिए बने रहिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों देखिए हमने मॉड्यूल को एम्पलीफायर से अलग कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, एक बात जरूरी याद रखिए, जब भी मॉड्यूल को आप एम्पलीफायर से अलग करना चाहे तो पहले कृपया तारों की मार्किंग जरूर करें। आप कितने भी स्मार्टनेस क्यों ना हो आपके, पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है दोस्तों। तो कृपया काइंडली अपने जितने भी तार है उसमें मार्किंग, जैसे कि हमने कर दी है ऑलरेडी स्पोर रखी थी तब भी हमने हल्की फुल्की मार्किंग कर दी है, जिससे आपको रिमेंबर है कि हाँ कहीं फॉल्ट वोल्ट दोबारा कहीं उसके चलते ना आ जाए, नहीं तो गलत लगने से दोबारा क्लिप या प्रोटेक्शन का बत्ती जल जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप हमने इसमें देखा है जिसमें ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी ब्रिज है 3-4, इसके थ्रू जो अपनी जो सप्लाई बन रही है इस पर जो तारों पर, +86 -86 +56 -56 +30 -30, ए नंबर पर प्रॉपर आ रही है। जो हमारा बी नंबर है इस पर चेक के इस पर कोई से भी नहीं आ रही है वोल्टेज। हो सकता हो कि जिसके चलते ये रेक्टिफायर तीनों ख़राब हो चुके हो सकता है भाई, ट्रांसफॉर्मर से भी दिक्कत आ रही हो, जो कि बहुत बड़ा इशू हो सकता है अच्छे खासे फॉल्ट जनरेट करने के लिए। बाकी एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, मॉड्यूल को अलग कर दिया है तो जिसके वजह से क्लिप नहीं दिखा रहा है, प्रोटेक्शन दिखा रहा है दोस्तों। हाँ तो हम आपको दिखा सकते हैं, एक मिनट हो गया। हमने ये ब्लैक वाली जो प्रोब है माइनस उसमें लगा दिए, नेगेटिव वाले में ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, अब पॉजिटिव प्रोब को हम ये को लगा के चेक करवा देते हैं आपको। एक मिनट पहले इस पर डीसी पे कर देते हैं दोस्तों, DC 1000। एक मिनट दिखाते हैं आपको, ये इस पर रखिए कितना आ रहा है दोस्तों। देखिए 1 वोल्ट जो डिटरमाइन ही नहीं करता, इस पर भी एक आ रहा है, 56 वाले पे भी एक आ रहा है, प्लस वाले 56 पे भी 2 आ रहा है, -30 वाले पे 1-2 और +30 पे उस पर भी एकदम 0। अब आपको ए नंबर की कंटिन्यूटी दिखाते हैं दोस्तों, कृपया बने रहे। हाँ जी दोस्तों, ए वाले देखिए, हमने ए वाले अर्थ में उसको ग्राउंड कर दिया है प्रोब लगा के। ठीक है, अब ए वाले पे ये +30 देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक कर रहे हैं, मीटर देखिए +30 -30 +56 57, वो एस्टिमेटरी होता है दोस्तों, -56, वो देखिए नीचे लगाया है +86 पे 80 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे, ये -86 देखिए दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ फॉल्ट जनरेट हुआ है। बाकी इसके जो हमने प्लस और माइनस जो नेगेटिव वोल्टेज आ रही थी वो दोनों ही बराबर आ रही हैं, इसका मतलब हमारे मॉड्यूल ठीक है दोस्तों। फॉल्ट हमारे या तो 3 रेक्टिफायर से हो सकता है या तो हमारा सबसे बड़ा पंगा हो सकता है ट्रांसफार्मर से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा होगा हम आपको बताते हुए चलेंगे आगे इसमें क्या दिक्कत थी। तब तक के लिए बनी रहे दोस्तों,
वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके दोस्तों। हाँ जी दोस्तों अब ये एकदम प्रॉपर ठीक हो गया है। एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। सीसी बत्ती गई, रन मोड पे जा रहा है, गया, क्लिप प्रोटेक्शन सब हट गया दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं पावर की बत्ती जल रही है। एक नंबर में हमने इनपुट दे दिया है। देखिए दोस्तों आपको चला के दिखाते हैं एक बार। ये अनलोड पे चल रहा है दोस्तों, अभी आपको लोड पे करके दिखाएंगे। अब लोड पे चलाते हैं। हजार के समथिंग आ रहा लोड।